दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर विंध्य भारत के खास अंक के साथ हाजिर हूं मैं प्रदीप त्रिपाठी। कॉन्ट्रैक्टर और क्रशर संचालक की मदद से हार्ट पेशेंट को मिल सकेगा समुचित उपचार। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प और संयुक्त कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अगुवाई में हुई कार्रवाई। हार्ट पेशेंट के लिए प्रशासन की पहल पर ठेकेदार और क्रशर संचालक मददगार साबित हुए हैं, जिन्हें अब समुचित उपचार मिल सकेगा। दरअसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट हार्ट पेशेंट के पुत्र श्रवण कुमार पटेल ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी। जैसे ही जानकारी कलेक्टर मनोज पुष्प को हुई तो अपने सूत्रों से समाज सेवियों की तलाश की और सुरेश मिश्रा ठेकेदार ने 1,00,000 मदद करने की पेशकश की। इसके अलावा श्रीकांत मिश्रा जो कि क्रशर संचालक हैं, 25,000 की आर्थिक मदद की, जिससे अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हार्ट पेशेंट को समुचित उपचार मिल सकेगा। की गई पहल को लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने दानवीरों को धन्यवाद दिया है। आइए आपको सुनाते हैं मदद करने वालों के साथ हार्ट पेशेंट के पुत्र श्रवण पटेल और अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। श्रवण जी, आपका आपके पिताजी की कलेक्टर साहब ने मदद की है, क्या है पूरा मामला? जी, रीवा के कलेक्टर श्री मनोज पुष्प जी और श्री सलेन सिंह जी एडीएम है, जो उन्हें जब इस खबर का पता चला तो श्री सुरेश मिश्रा जी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने 1,00,000 रुपए और श्री श्रीकांत मिश्रा जी ने 25,000 रुपए मेरे पापा जी के दवा के लिए सहयोग किया है। मेरे पापा जी कंप्लीट हार्ट की ब्लॉक की प्रॉब्लम है, जिसको स्पेस मेकर पापा जी को नवंबर 2020 में पड़ा था, लेकिन वो स्किन प्रॉब्लम की वजह से हम 2 बार सुपर स्पेशलिटी रीवा में इलाज कराए हैं और 1 बार जबलपुर सुपर स्पेशलिटी गैलेक्सी करके, और वहाँ से फिर हम नहीं सही हुआ, वही बार बार मशीन बाहर दिखने की थी, तो हम UN मेहता अहमदाबाद हॉस्पिटल है कार्डियो को हम वहाँ भी दिखाएँ, वहाँ भी यही समस्या हुई। अब डॉक्टर इन सब चीज़ से सही होने के लिए मेड्रॉनिक कंपनी का लीडलेस पेस मेकर आता है जिसे माइक्रो बोलते हैं, उसके लिए सजेस्ट किए हैं, जो 7,00,000 रुपए उसकी राशि है। हम इसके पहले काफ़ी अब 4 ऑपरेशन करा चुके हैं 2 साल से, सभी चीज़ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। इसके लिए श्री मनोज पुष्प जी कलेक्टर रीवा के और ADM श्री शैलेंद्र सिंह जी को जब ये खबर हुई तो उन्होंने ये सब उनके द्वारा ये सहयोग करवाया गया। तो आपके पिताजी को कब से ये बीमारी थी? मेरे पिताजी को नवंबर 2020 में ऐसी शिकायत हुई थी, उनको चक्कर आ रहा था, एक भी चल नहीं पा रहा था, सांस लेने प्रॉब्लम थी, तो हमें सिटी हॉस्पिटल सतना से संजय गांधी के लिए रेफर किया गया था। यहाँ हमें पता चला कि ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है और उनको पेस मेकर पड़ेगा, फिर हमें वो गूगल करके पता चला कि क्या पेस मेकर होता है, ये सब चीज़ें। तो सर के पास कैसे पहुँचे आप, किस तरह के माध्यम से पहुँचे? सर से हम जो हमारे डॉक्टर देख रहे हैं पापा जी को, मेरे श्री सुनील कुमार त्रिपाठी सर, तो उन्हीं के माध्यम से ये बातें गईं, और श्री अंबिका पटेल सर हैं भटवा के, उनके द्वारा सलेन सर का नंबर मिला था, तो सलेन सर से हमने संपर्क किया था कि हमें कुछ हेल्प करा दी सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है सब चीज़ें, तो सर ने मतलब ये सब चीज़ें करवाई। तो अभी आपको कैश मिल गया और चेक भी मिल गया? जी सर। क्या कहेंगे आप कलेक्टर सर के लिए? सर मैं तो कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास, मेरी हेल्प मतलब क्या आप सर, बुरे समय में मेरी हेल्प की है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, रिलेशन वाले भी कॉल नहीं उठा रहे थे, और भी कई चीज़ें थी, लेकिन थैंक यू मनोज पुष्प जी कलेक्टर रीवा और ADM श्री शैलेंद्र सिंह जी का और श्रीकांत जी जिन्होंने 25,000 रुपये दिए हैं। कुमार पटेल जी हैं, श्रवण कुमार लड़के का जैसा नाम है वैसे ही इसका काम भी है। इसके पिताजी को हार्ट की बीमारी है और ये सुपर स्पेशलिटी में एडमिट हैं। ये बात जब कलेक्टर साहब को, रीवा कलेक्टर श्री मनोज पुष्प जी को पता चली तो उन्होंने इस काम को प्राथमिकता में लिया और अपने संपर्क सूत्रों से लोगों के बीच ये बात रखी, और इसके माध्यम से श्री सुरेश मिश्रा जी जो कि एक बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं रीवा के, और श्री श्रीकांत मिश्रा जी जो स्टोन क्रेशर अपना चलाते हैं, श्रीकांत मिश्रा जी ने 25,000 रुपये और श्री सुरेश मिश्रा जी ने 1,00,000 रुपए की सहायता इसको की है। इस तरह से इसको पिताजी के इलाज में सहायता मिल सकेगी। मैं आप दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इसकी निस्वार्थ रूप से सहायता की। और ADM साहब द्वारा जानकारी अवगत कराई गई कि श्रवण जी के पिताजी को गंभीर बीमारी है, कुछ आर्थिक मदद की जाए, तो मैंने तत्काल जो यथासंभव था 25,000 रुपये नकद श्रवण जी को दे के उनकी छोटी सी सहायता की है। धन्यवाद।